डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस स्किल में। बहुत दिन के बाद एक्चुअली मिल रहे हम लोग, है ना। तो चलिए, खैर हम लोग का पढ़ाई तो जारी था, पढ़ाई से मतलब है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना। तो जैसा कि याद है, हम लोग पिछले क्लास में मोस्ट VVI टॉपिक्स को पढ़े थे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था वो। कौन सा टॉपिक्स था जरा बात कर लेते हैं। टॉपिक्स था गोलीय सतहों से, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस से प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। यानी गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन हम लोग सीख रहे थे और उसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट कई बार आ चुका है उसको प्रूव करने के लिए। अगर कोई पूछेगा कि गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक को प्रूफ कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए, तब क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कि गोलीय सतहों से प्रकाश का जो अपवर्तन है उसका फार्मूला होता है μ2/V − μ1/U = μ2 − μ1/R। यही हम लोगों को मेन फार्मूला होते हैं दोस्त। ये VVI पॉइंट्स है, VVI टॉपिक्स है, इसको आपको कई बार प्रैक्टिस करना चाहिए व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, कि आखिर ये फार्मूला कैसे प्रूव होता है। तो ये फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में किए थे। चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक्स पे बात करते हैं और इससे जुड़ा हुआ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करेंगे। तो अगर बात किया जाए μ2/V − μ1/U = μ2 − μ1/R, इसमें क्या क्या है तो देख लो। μ1 को बोलते हैं प्राथमिक माध्यम। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक माध्यम, ठीक है। और μ2 क्या है हम लोगों को यहां पे? द्वितीयक, यानी कि दूसरा माध्यम, द्वितीयक माध्यम, ठीक है। तो याद रखो, अपवर्तन में दो माध्यम होता ही होता है। अपवर्तन का मतलब ही होता है कि कोई प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें पहुंचती है या प्रवेश करती है, तब हम उसको अपवर्तन कहते हैं। क्या बोला जाता है उसको? अपवर्तन, ठीक है। अब बात किया जाए जरा कि परावर्तन किसको कहते हैं। तो जब एक ही माध्यम से प्रकाश की किरणें आती है और टकराकर अपने ही माध्यम में अगर वापस लौट जाती है, तब इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे μ1 और μ2 क्या है? दो माध्यम है। V के बारे में बात करें तो V क्या है? तो प्रतिबिंब दूरी है, याद रखिएगा, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। दूसरी बात, U क्या है? तो U है हम लोगों के लिए वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। और R क्या है भाई? तो यह है वक्रता त्रिज्या। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। ध्यान रहे, अवतल लेंस के लिए सभी चीजें माइनस में होता है। अवतल के लिए क्या होता है? सभी चीजें माइनस होता है। यानी कि हम आपको पहले ही बता चुके होंगे कि अवतल लेंस बोलेगा, ध्यान रखना है, अवतल लेंस बोलेगा तो मेरा U तो हमेशा माइनस होता है, भी माइनस होगा, F भी माइनस होगा और R भी माइनस होगा। अब R का मतलब कौन सी? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो तीनों का तीनों, सब चारों का चारों माइनस होगा। लेकिन अगर दोस्तों उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस में हम लोगों को वस्तु दूरी माइनस होता है और बाकी सभी चीजें होती है प्लस में, यानी कि भी प्लस, एफ भी प्लस, आर भी प्लस, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों को ये चीजें फॉलो करना होगा। ये चिन्ह परिपाटी में हम लोग जब पढ़े थे लेंस के बारे में, तो हम लोग पिछले चैप्टर में ये पढ़े थे। तो कुल मिलाकर इसके बारे में हम समझ गए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जाए, किसी अवतल लेंस
का किसी अवतल लेंस का फोकस दूरी 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है। यदि इस लेंस के आगे पंद्रह सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हो तो इस लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो। अच्छा, ब्रैकेट में उसके नीचे लिख देना, उसके नीचे म्यू वन इज इक्वल टू टू एंड म्यू टू इज इक्वल टू फोर। म्यू वन का मान 2 लेना है और म्यू टू का मान 4 लेना है, यानी कि प्राथमिक माध्यम का वैल्यू दिया रहेगा सवाल में और द्वितीयक माध्यम का भी दिया रहेगा, और आपको पुट करके जो सवाल बोल रहा है उसको निकालना है। देखो, सवाल को जो है अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और आपको जो है दिमाग लगाना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे या कैसे इसको बनाएंगे कि हम लोगों को पता चलेगा जो पूछ रहा है उसका मान कैसे निकलेगा। सबसे पहले कह क्या रहा है सवाल में वो समझिए। सबसे पहले बोल रहा है, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये बोल रहा है कि ये भैया अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है ये? अवतल लेंस। जब ये अवतल लेंस होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि सभी का वैल्यू निगेटिव होता है, u का वैल्यू, v का वैल्यू, r का वैल्यू एंड f का वैल्यू, सभी का वैल्यू निगेटिव हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सवाल को आप पढ़ें तो लिखा हुआ है कि अवतल लेंस में का जो फोकस दूरी है वो 4.5 है भाई। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं और 4.5 सेंटीमीटर दिया है तो माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि अवतल लेंस है, इसलिए माइनस f का वैल्यू। फिर बात करें कि यदि इस लेंस के आगे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है, तो वस्तु रखा गया है इसका मतलब वस्तु दूरी ना, तो वस्तु दूरी को हम लोग u से सूचित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि u का वैल्यू दिया है माइनस 15 सेंटीमीटर। फिर सवाल क्या बोला कि इस लेंस में बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कर रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग कहते हैं भी। तो भी भाई हमको क्या करना है? निकालना है। अब आप बताओ कि f का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू दिया है, तो भी का वैल्यू निकालना है। तब तुम कोची सोचेगा पता? तू सोचेगा कोची कि सर एगो बात है। क्या बात है भाई? तो आप सर लेंस सूत्र लगा दीजिए। हम लेंगे कैसे भाई? तो सर लेंस सूत्र होता ना है 1/v - 1/u = 1/f। हम लेंगे कि हाँ भाई, सोच तो तू सही रहा है, लेकिन ये है गलती का, ये हो जाएगा गलत। इसलिए क्योंकि नीचे तुम ब्रैकेट में देखो तो म्यू वन और म्यू टू का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो ये तो कुछ भी दुनिया में जो स्थित है वो फालतू का तो नहीं है, उसका कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। तो म्यू वन और म्यू टू का तो वैल्यू दिया है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अगर ये म्यू वन म्यू टू सवाल में नहीं दिया रहता
तब आपका कहना सही था कि सर लेंस सूत्र लगा दीजिए, अब ये वो चीज जो घट रहा है उसको निकाल दीजिए। बिल्कुल सही सोच, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक कहाँ कर रहे थे आप कि म्यू वन और म्यू टू दिया है, तब इसको गोलीय सतह के अपवर्तन सूत्र का व्यंजक लगाएंगे। तो सूत्र क्या है, सूत्र याद होगा तो बोलिएगा, सूत्र है म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। ये है दोस्त। अब आप बोलेंगे सर हम तो फंस रहे हैं, मतलब कि कैसे भाई, कैसे दिक्कत है, म्यू टू का मान दिया है रख दीजिए, भी का मान नहीं दिया है निकालना है तो उसको भी का भी छोड़ दीजिए, म्यू वन दिया है यू दिया है, म्यू टू माइनस म्यू वन देबे किया है, और आर तो सर आर तो देबे नहीं किया है। तो हम आपको पहले ही बताया है कि आर का मान जब नहीं दिया है तो वक्रता त्रिज्या, आर मैंने वक्रता त्रिज्या और एफ मतलब होता है फोकस, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध होता है, आपको पता होना चाहिए क्या संबंध होता है, तो आर बराबर टू एफ। ये फार्मूला भी हम आपको सिद्ध करवाना है, तो याद रखिएगा कि आर बराबर कौन सी होता है फार्मूला 2F। तो यहाँ पे हम लोग R का तो जरूरत है, इसलिए सबसे पहले R बराबर 2F के फार्मूला से दो गुना F का वैल्यू माइनस 4.5, तो इस तरीके से माइनस 9 सेंटीमीटर हो गया। तो अब R के जगह पे रख दीजिएगा और V का वैल्यू निकाल दीजिएगा कितना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आपको जो है घुमा सकता है, क्लियर, यानी कि कुछ भी देगा आपको काम का क्या करना है, यूज करना है और यूज करके आपको वैल्यू निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाए, किसी उत्तल लेंस किसी उत्तल लेंस की फोकस ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि यदि लेंस से कोई वस्तु दस सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब आठ सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यदि प्राथमिक माध्यम तथा द्वितीयक माध्यम का मान क्रमशः 2.5 तथा 4 है, 2.5 तथा 4 है। चलो अब इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखे हैं इसको जरा अच्छे से देखिए, इस बार क्या बोला है कि उत्तल लेंस है भाई, चलो मान लिया उत्तल लेंस है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते वक्त हम लिखेंगे कि हमको पता है ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस ने सबसे ही बोल दिया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको निकालना है, फोकस दूरी आपको निकालना है कब, जब वस्तु दूरी जो है 10 सेंटीमीटर, तो उत्तल लेंस में वस्तु को माइनस रखते हैं और बोल रहा है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 8 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक है, 8 ही ना बोले कि 5 बोले, कंफर्म नहीं है देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। तो प्रतिबिंब हम लोगों को 8 सेंटीमीटर, इसको प्लस में रखेंगे क्योंकि उत्तल के लिए भी का मान प्लस होता है, चिन्ह परिपाटी से ऐसा हम लोग जानते हैं। फिर क्या बोला कि आप निकाल म्यू वन का वैल्यू दिया है 2.5 क्रमशः और म्यू टू का वैल्यू दिया है 4,
चार। तो सबसे पहले हम लोगों को तो फोकस निकालना है, तो काम क्या करेंगे, सबसे पहले तुम अपवर्तन के सूत्र का फार्मूला यूज करना। कैसे? तो म्यू टू का वैल्यू दिया है, भी का वैल्यू दिया है, म्यू वन का, यू का वैल्यू दिया है, म्यू टू म्यू वन दिया है, आर के जगह पे आर छोड़ देना, आर का मान निकाल लेना। ठीक है, आर का मान सबसे पहले निकालना और आर का वैल्यू इससे निकाल के जितना आएगा वो आर बराबर टू एफ फार्मूला से आर का मान रख के और एफ का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों दो क्वेश्चंस आपके लिए, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्यूशन करके आप हमें जरूर सेंड करेंगे। इसी आशा एंड विश्वास के साथ आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।